अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। फाइनली वो दिन आ गया जो हम लोग इतने दिन से जिसके लिए मेहनत कर रहे थे, वेट कर रहे थे और बहुत कोशिश करे, बहुत अच्छा। यानी हम लोग ने मैक्सिमम लोगों ने अपना 100% देने की कोशिश किया, मेरे फार्म के लोगों ने, लेबर लोग ने, हम लोग ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेटअप रेडी है। कुछ माइनर से काम अभी भी रह गए हैं लेकिन इंशाल्लाह हम लोग वो ओपनिंग होने के बाद इंशाल्लाह वो करेंगे। तो आज हम लोग का जो ओपनिंग कर रही है, यानी मैं ओपनिंग सेरेमनी है, छोटी मोटी सी, हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे नहीं है तो वो ले रहे हैं। और हम लोग छोटा सी अपना फार्म का थोड़ा सी मैं एक सेटअप दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखेंगे अभी, ये हमारे फार्म का ये पूरा माशाल्लाह पूरा व्यू देखें आप, ये पूरा व्यू आपको समझ में आ रहा होगा फार्म पे। ये आगे का ओपन स्पेस है, इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग यहाँ पे शेड लगाएंगे ये एरिया में, ये साइड में पूरा ये शेड आएगा मुर्गियों के ऊपर, क्योंकि बकरीद में बारिश का टाइम रहता है और वो टाइम पे काफ़ी दिक्कत होती है। तो ओवर व्यू है ये हमारे फार्म का, आप देख ले, सब बैनर वनर भी, पोस्टर हम लोग के सब लग गए हैं माशाल्लाह, आपको खुद बहुत समझ में आएगा। ये मुर्गियों का हम लोग का सेक्शन पूरा रेडी है और आप लोग आए विजिट करें आज के दिन तो आपको सब और अच्छे से समझ में आएगा क्या हिसाब से हम लोग ने सेटअप किया। छोटी सी जगह को इतना खूबसूरती से बनाने की मैंने कोशिश किया हूँ कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये सब चीज़ देखें आप लोग। पूरा पूरा मुर्गियाँ इसके अंदर आ गई है, रात में इंशाल्लाह पूरी लाइट वाइट भी इसके अंदर ऑन होती है यहाँ पे, ये देखिए पूरा ओवरव्यू। और काफ़ी खूबसूरत लगता है हम लोग की जो जगह है, ये देखे एक आम का झाड़ है, उसके नीचे कुछ भी हम लोग कोई भी चीज़ अक्सर बांध सकते हैं, यानी हमारा मेंढा बांध सकते हैं, या ये आप देखे इसमें मेंढा बंधा है तो कोई भी चीज़ें हम लोग बांध सकते हैं। अच्छा, छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग ने यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। एक एक वॉल के ऊपर हमारे जो पुराने सब पोस्टर थे, ये आप देखेंगे बनूर के बच्चे है, ये हमारा लोगो है, ये भी देखें आप लोग, यह हमारा जो लास्ट ईयर हमने पाला था वो एक मेंढा है, ये तौसीफ़ का भी एक, ये देखिए आप ब्रह्मा जाइंट ब्रह्मा। तो मैंने यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश किया हूँ हमारे फार्म की, ये एक बेटा, ये आप देखें पूरा यूटिलाइज़ किया हूँ मैंने। ये ओपन प्लेस है, इसको ऊपर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। एक्चुअली यहाँ पर हम लोग ने ये हुक डाल दिए, आप ये हुक देखें, छोटे छोटे हुक डाल दिए, इसके अंदर से पाड़े हैं, बकरे हैं, कोई आता है तो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा पूरा हमारा। ये हमारा ये पुराना माशाल्लाह पुराना बैनर है, मैंने ये बैनर को नहीं फेंका क्योंकि एक लगाव सा था ये बैनर के साथ, इसको लास्ट टाइम हम लोग ने, पुराना एड्रेस है ये इसके ऊपर, तो अभी का एड्रेस तो चेंज हो गया, मैं एड्रेस तो लिंक अपना गूगल मैप पे हम लोग ने अपलोड कर दिए तो आप लोगों को आने के लिए काफ़ी आसानी होगी। मुर्गियों का सेक्शन मैं आपको आहिस्ते आहिस्ते बता देता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह एक एक करके। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन देखें हम लोग, ओवरव्यू है हमारे फार्म का, मैं सब बताने पहले मैं नीचे से ले लेता हूँ एक एक चीज़। ये देखें माशाल्लाह, एक्चुअली ब्रीड का नाम तो तौसीफ़ आपको सही से बताएगा, ये मिली फ्लावर है, ये मुझे मालूम है क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये देखें इसको माशाल्लाह दाढ़ी सी रहती है इसकी। ये एक है ये जाइंट कोलंबियन बर्मा, इसकी साइज आप देखें माशाल्लाह। यानी मैं एक एक छोटा छोटा सी ओवरव्यू आपको खाली ले रहा हूँ आप लोगों को देखने के लिए कि हमारे पास अभी फिल वक्त आप आएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों से जो वीडियो देख रहे हैं और जो करीब में है और आ सकते हैं तो आप लोग आए 4:30-5 बजे तक का, मैं फ़ौरन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ अभी घर जाके। ये बना रहा हूँ, ये सब देखते जाइए माशाल्लाह, ये देखें खूबसूरती एक एक चीज़ करके फ्रेल है ये माशाल्लाह, ये देखें इनको, इसका कोशिश हम लोग ने की है इनको नेचुरल इनका वो देने की, जैसे मट्टियाँ नीचे है और जो पूरा मट्टी का सेक्शन बना दिया, नीचे मट्टी थी ओटा था पूरा हम लोग का, ये देखें इसको तोड़ने के बदले हम लोग ने इसको यूज़ में ले लिए एक एक चीज़ को। ये सब आप इधर भी देखें एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, ये माशाल्लाह ये होम ब्रीड है, हमारे इधर ही पैदा हो रहे हैं ये बच्चे, इजिप्शियन फायोमी है माशाल्लाह, ये देखिए ब्रह्मा की। तो माशाल्लाह ये एक हम लोग के फार्म का मैं एक छोटा सा ये दिखा रहा हूँ,
ये अलग सेक्शन हो गया पूरा हमारा। पहाड़ों का तो मैंने पहले भी बताया, हम लोग ने पहाड़ों के लिए बहुत अच्छा ये किया। आप ये देखें पहले, ये कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, यहाँ से पूरा फार्म का लुक आता है। एक झाड़ है, एक ये है माशाल्लाह। होम ब्रीड ब्रह्मा के बच्चे थे। हाँ, ये हमारे इधर जो होम ब्रीड हो रहे हैं बच्चे ब्रह्मा के, वो भी आए हैं, वो भी देखे। तो ओपनिंग में आके आप लोग बिस्मिल्ला हो चुका है मेरा सुबह में ही माशाल्लाह। एक बहुत अच्छा हमारा ये सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह ये बिका है। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने लिए आके ओपनिंग के हिसाब से, लेकिन अभी हम लोग शाम में डिलीवरी देंगे। ये देखिए, ये होम ब्रीड है ब्रह्मा के बच्चे है, ये हमारे इधर ही पैदा हुए है। ये देखिए माशाल्लाह, ये हम लोग के इधर पैदा हो के उसको हम लोग ने पूरा सेट किए, ये इसीलिए हम लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। ये टोटल 11 11 कितने 11 है ना बच्चे, तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास, बहुत है ना अपने पास बच्चे। ये अभी 11 है। हाँ, 3 मंथ के। ये सेल्स की वीडियो, सेल की वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे, अभी फिलहाल तो हम लोग ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इसके बाद ये अच्छा, हम लोग ने फर्स्ट जनरेशन लाए अंडे हुए, उनकी जो सेकंड जनरेशन आई उससे बच्चे बना के आप सेल पे आ गए। हाँ ठीक है, इंशाल्लाह हम लोग ये, मैं इसलिए तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है ना, थोड़ा ओवरव्यू बताने के लिए कर रहा हूँ। तो ये अमान जरा ये इसकी लाइट चालू कर बेटा, यहाँ की पहाड़ों में। ये देखे, ये हमारा पहाड़ों का सेक्शन है माशाल्लाह। टारजन का हम लोग ने जिससे स्टार्ट हुआ था वो है ये लाइट माशाल्लाह। पंखे, हर चीज़ का इंतज़ाम, यानी इनको सहूलत देने की पूरी कोशिश है। ये देखिए आप, पूरा इन लोग का बैठने का पूरा इंतज़ाम, खाने का। इधर दो बौने आप देखेंगे, गहने बौने जिनको बोलते हैं वो बैठे हैं। ये माशाल्लाह आप देख लें, नज़र मैं ओवरव्यू ले रहा हूँ खाली आप लोगों को, इसलिए कि आप लोग विजिट करें हमारे फार्म पे। तो ये इनका दाना भी यहाँ पे भीगा है, आप देखेंगे ये आधा ड्रम रहता है, पूरा एक ड्रम लगभग लगता है माशाल्लाह इनके अंदर। तो ये हो गया यहाँ का टारजन को एक नज़र, आप लोग पहले भी देखे हैं, अभी भी एक बार देख ले माशाल्लाह। ये इससे हमारे को ये चीज़ की शुरुआत हुई और हम लोग ने इसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ किया। और ऐसे तो हम लोग काफ़ी टाइम से हम लोग पहाड़ों का और बकरों का काम करते आए हैं, माफ़ करना, हम लोग बकरों का काम करते आए हैं, लेकिन बैल और ये सब चीज़ें हम लोग पहले से शौकिया, मदनपुरे से काला पानी से बिलोंग करते, तो वहाँ हमारा शौक था वो हिसाब से। ये एक अभी यहाँ पे थोड़ा सी हम लोग अंदर का ले लेते हैं, केजेस वजेस बता देता हूँ आप लोगों को। वीडियो बड़ी होगी लेकिन आप लोगों को मज़ा आएगा। ओवरव्यू देखे आप लोग, कितना खूबसूरत जगह को यूटिलाइज़ हम लोग ने किए। मैं मेरी तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन हम लोग ने जो यूटिलाइज़ करे है वो सब चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पे छोटा सा एक काम बाकी है, ये आप देखेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर मिंडे बैठे हैं सब, लेकिन ये प्लेटफॉर्म हाइट में होगा लगभग, ये जैसा ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये हाइट पे हम लोग ये प्लेटफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो मेंढे भी ऊपर हो जाएंगे, नीचे से सफाई करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ये एक हो गया सेक्शन, मैं ऐसे एक्चुअली ये तरफ हम लोग बाद में आएंगे, ये तरफ का मैं लेता हूँ। ये देखें हम लोग, एक लाइन में लगभग 4 केज है और एक सेक्शन में 8 केज हम लोग ने बनाए हैं। इसके ऊपर हाइट भी हम लोग ने अच्छी दे दी है कि एक आदमी आराम से, ये देखें छोटा छोटा वर्क अभी भी बाकी है, ये सब चीज़ें हमारी अभी पेंडिंग है। ये देखें माशाल्लाह, एक 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 चीज़, ये पतीरा के सब है। आप लोग आएंगे तो अभी बकरे सेल के लिए भी हमारे पास है, हम लोग सेल पूरा रोक दिए थे पूरी तरह से माशाल्लाह। ये हमारा मरीनो है जिसको हम लोग प्यार से जादू कहते हैं, आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। और काफ़ी हेल्दी है, बहुत ख़राब, मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ हमेशा बताया हूँ। एक 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 चीज़ें आप देखें कि कैसा हम लोग ने केज बनाए। अच्छा, ये एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये सब पुराने मटेरियल से बना हुआ है, इसमें नया कुछ भी यूज़ नहीं है। ये आप ये देखेंगे, ये अंदर के जो ये पार्टीशन हम लोग ने जो मारे, ये पट्टी वाले पार्टीशन, ये आप बिलीव करेंगे हम लोग जब दारू खाने में थे, ये दारू खाने से ये यूज़ हो रहा है, वहाँ से कट के फिर हम लोग ने ये जो दूसरा फार्म था हम लोग जो अभी इससे पहले यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर हम लोग ने उसको यूज़ करे। उसके बाद ये देख ले आप, एक्चुअली मटेरियल सही इस्तेमाल करना, मटेरियल का सही इस्तेमाल करना और अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेने के बाद सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर कलर कर देना, इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें हो बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। मेंढे आप देखें, या मेंढे कुछ बंदे, एक्चुअली ये हमारा अभी पलाई का कुछ सेक्शन है, हम लोग ने टेम्पररी इसके अंदर मेंढे डाल दिए। ये मेरे ख्याल से 6 8 8 16
24 केजेस अभी बने हुए हैं और भी बनेंगे इसके अंदर, हम लोग का और भी काम बाकी है। ये हम लोग का स्टोर रूम है दाना वाना रखने का, अनाज रखने का, अभी इसका भी छोटा मोटा काम बाकी है। मैं हंस इस रह रहा हूँ कि एक महीना हो गया काम खत्म होने के लिए। ये आप देखें, ये केज हम लोग ने यहाँ पे, ये भी पुराना केज है हमारा, दारू खाने से है ये भी। ये केज आप देखें जिसके अंदर हम लोग लव बर्ड रखते थे हमारे दारू खाना के ऊपर, और आज भी उसको हम लोग ने संभाल के रखे हैं, उसको मेंटेनेंस वर्क करते रहते हैं। तो ये इसी तरह से अच्छे से, ये देखो, ये एक चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग को मटेरियल का पैसा नहीं लगता है शिफ्ट होते हैं तो कभी, और शिफ्ट होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि एक छोटी सी दावत करनी मिलती है मुझे, लोगों से मिलने का मौका मिलता है, लोग आते हैं हमारे पास, जुड़ते हैं। तो कभी कभी मैं कल ही सोच रहा था कि कभी जो शिफ्ट होना होता है, हम लोग जब शिफ्ट करते हैं तो उसको भी हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं। तो ठीक है, बहरहाल ये अभी तो ये भी भंगाड़ अभी हमारे पास पूरा पड़ा हुआ है, आप देखेंगे सेक्शन, आप आएंगे फार्म पे तो, लेकिन ये मैं पूरा यूटिलाइज़ करूँगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हाइट पे प्लेटफॉर्म बनाना है यहाँ पे भी, तो वो भी अभी काम बाकी है। ये जिंग है, ये सब बैठे, ये हम लोग ने एक बहुत अच्छा किया, ये आप देखेंगे, ये हाइट के ऊपर लगभग ये 3 फीट ऊपर हम लोग ने बनाया है इसको। 3 फीट ऊपर होने से फ़ायदा ये होता है कि ऊपर हम लोग छोटी हाइट के सब जानवर, बैंटम है, बनूर का सेक्शन है, ये पूरा हम लोग ने इसके ऊपर डाल दिए। अच्छा, कभी जैसे इन केस बहुत ज़्यादा बारिश होती है, मुमरा का ये बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए पहले से मैं प्रिपेयर होके रेडी हूँ। ये आप देखिए, बैंटम मादियाँ इसके अंदर है हमारी, और बनूर का सेक्शन यहाँ पे, ये हमारे, मैं वो तरफ से भी आपको बताता हूँ। ये के ये सब हमारे बाड़े हैं, ये बाड़ों का सेक्शन बनाया है, ये पहले का था, इसको अभी हम लोग यूटिलाइज़ करेंगे आगे चल के जैसे जैसे टाइम होते जाएगा। बकरियाँ हैं सारी इसके अंदर, हम लोग की पुरानी बकरियाँ हैं, कुछ पलाई की बकरियाँ हैं, ये भी देखें, ये जिंग है, चाइनीज़ जिंग, ये भी अभी ऊपर इंशाल्लाह हम लोग केजेस में ले लेंगे। ये हमारा वज़न कांटा, ये आप देख लें, और ये भी दो पुराने केज थे हमारे जो पिंजरे थे, इसको भी हम लोग ने अच्छे से, ये आप देखें, मैं बता देता हूँ, ये अच्छे से हम लोग ने पूरा इसको ले लिए, इन्हें यूटिलाइज़ कर दिए जगह पे। इसके अंदर कुछ बकरियाँ, इसके अंदर भी अभी बैंटम वेंटम का हम लोग ले लेंगे। ये बनूर का मैं जो बाहर से बता रहा, खिलाने का सिस्टम भी आप देखें कितना अच्छा है, यहाँ बाहर से पूरा कर दिया, यानी वो तरफ जाना नहीं है और इनको ज़्यादा उतारना चढ़ाना भी नहीं रहता है, तो ये अच्छी चीज़ हो गई। तो और भी बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह फ्यूचर में हम लोग इसके अंदर करेंगे, जैसे बढ़ाएंगे और देखते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग को ऑल्ट्रेशन होता रहेगा हम लोग करते रहेंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं, और जो लोग देख रहे हैं और मौका मिल सकता है तो फार्म पे 5 बजे के बाद कभी भी आएँ, इंशाल्लाह 5 से 8 का प्रोग्राम है, और मिले, मुलाकात करें, हमें भी खुशी होगी, मेरी पूरी टीम को खुशी होगी आपके आने से, तो विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।